पिछले वीडियो में बेटा अपन ने नाइन्थ क्लास की 1.3 एक्सरसाइज के सेवंथ क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज बेटा हम एट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन बेटा? फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/4। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसमें थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर निकाल रहे हैं बेटा। ये दोनों रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर निकाल रहे हैं। रैशनल नंबर निकाल रहे पता है, इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे बेटा? 5/7 और 9/11। पहले तो 5/7 भाई बेटा डिवीजन मेथड से 5/7 डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है डेसिमल। 7/7 जा 49, 1 आ गया, डेसिमल लगा है, 0 लगा देंगे, 7 बन जा 7। क्या आ गया बेटा? 3 डेसिमल लगा और 0 लगा देंगे, 7/4 जा 28, 2 आ गया 0, 7/2 जा 14/6, 0/7/8 जा 56, 4/0/7/5 जा 35। क्या आ गया बेटा? 5 जो पहले था वही आ गया। इसका मतलब सीधी दिक्कत क्या हो जाएगा बेटा? वापस से रिपीटेशन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? 0.714285 का बा आ गया बेटा, 0.714285। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं बेटा, क्या है? 9/11। 9/11 को डिवाइड करेंगे बेटा, 0.98 पूरी माइंड आ गया, डेसिमल लगा हुआ 0/11 बन गया 11। क्या आ गया बेटा? 9। वापस से 9 रिमाइंडर आ गया, तो किसकी रिपीटेशन हो रहा है बेटा? 1 बन का, तो इसका क्या आ गया बेटा? 0.5। इन दोनों डिजिटों के बीच में, इन दोनों डिजिटों के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। तो इसमें हम बहुत से लिख सकते हैं। हमें लिखवा कितने रहा है? तो 3। कौन कौन से लिख देंगे बेटा? 0.17। 4 की जगह क्या लिखते हैं बेटा? 5/2/8/9। सेकेंड बेटा 0.716। 8 तक की बात कर रहा है, 6/3/4/2 जो भी लिख सकते हो। थर्ड क्या लिखते हैं बेटा? 0.717532 3। और भी बहुत से लिख सकते हैं, जितने मर्जी आप अपने नंबर लिख सकते हैं। हमसे तीन बार पूछ रहा है, तो हमको क्या लिख देंगे बेटा? 3 लिख देंगे। ये प्रोसेस क्या है? चलता रहेगा, लेकिन इसके बाद आती रहेगी। ठीक है, लिख लो इसे। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फर्स्ट बेटा हमें सिर्फ ये बताना है कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सेकेंड है बेटा, थर्ड फोर्थ एट फोर सेवन एट फिफ्थ 1.10 एंड रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर √3 √23। अब देखो बेटा, √23 कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये इरेशनल। तो क्या हो जाएगा ये बेटा? रैशनल नंबर।
देखो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है बेटा, कहीं ना कहीं जाके स्ट्रोक हो रहा है, कंटिन्यू नहीं है, तो क्या होगा बेटा ये रेशनल नंबर होगा। ये देखो बेटा डेसिमल के बाद डिजिट डॉट 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 का मतलब ये प्रोसेस आगे चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये देखो ये डॉट के बाद प्रोसेस चल ही रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा इरेशनल नंबर। क्लियर है? 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। 1.4 में 2 क्वेश्चंस हैं बेटा, वो भी कर लेते हैं। लिख सिर्फ नंबर लाइन पे शो करना है हमें, किसी डिजिट को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ये डेसिमल के बाद। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बेटा। अब देखो 3.745 किस किस के डिजिट के बीच में आएगी बेटा, ये नंबर किस किन नंबर दो नंबरों के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो देखो बेटा थ्री फोर, पहले हम फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक देखेंगे, फिर सेकंड डिजिट तक, और फिर थर्ड डिजिट तक। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4। क्लियर है बेटा? अब देखो 3.765 3.7 3.7 ये आ गया बेटा, 3.7 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है, उससे छोटा है 3.675, तो ये किस किस के बीच में आएगा बेटा 3.7 के और 3.8, समझ में आया? अब हमें बेटा इन दोनों के बीच का डेसिमल्स के नंबर्स को लिखना है। क्या लिखेंगे बेटा 3.71 3.72 3.74 3.75 3.76 3.78 और 3.79 3.8। क्लियर है? अब देखो बेटा 3.76 3.76 3.78 और 3.79। अब 3.765 3.765 3.77 इन दोनों के बीच में होगा बेटा, यहां तक तो हमने शो कर लिया 3.76 आ गया, लेकिन हमें क्या बना रहा है 5 बना रहा है, तो अब किस किस का करेंगे बेटा 3.76 और 3.77। तो क्या होगा बेटा ये ऐसे लिखेंगे 3.76 3.77 क्या लिखेंगे फर्स्ट 3.76 1 3.76 2 3.76 3 3.76 4 3.76 5 3.76 6 3.76 7 3.76 8 3.76 9 3.76 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें देखना क्या है बेटा 3.765 3.765 का आएगा यहाँ, तो ये क्या हो गया बेटा इसका
नंबर लाइन पे शो हो गया। ये भी समझ में आया बेटा कैसे करेंगे सक्सेसिव मेथड? सीधा का सीधा यही नहीं लिखेंगे, पहले थ्री और फोर इन दो ये दो डिजिट लाएंगे, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को शो करेंगे, फिर सेकंड को शो करेंगे और फिर जो है उसको शो करेंगे। अगर ये फोर पॉइंट तक है तो फोर बार करेंगे, अगर ये थ्री तक है तो थ्री तक, और टू तक है तो क्लियर है। मान लो ये कहता 3.76 को शो करो, तो 3.76 कहाँ जाता बेटा? यहीं आ जाता, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं होती। ये कहता है कि मैं 3.6 को शो करो तो कहाँ आ जाता बेटा? यहाँ आ जाता। लिख लो सेकेंड क्वेश्चन बेटा, विजुलाइज 4.26 पे क्या है बेटा? बाहर रिपीटेशन है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। कहां तक लिखना है बेटा? 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि हमें किसको नंबर लाइन पे शो करना है बेटा? 4.2626 4 डेसिमल प्लेस की वैल्यू कर बात कर रहा है तो 1, 2, 3, 4 हो गया। आ जाओ बेटा यहाँ देखेंगे बेटा 4.2 किस किस के बीच में होगा? 4.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब देखो बेटा 4.26 कहाँ होगा बेटा? 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं भी होगा, इन्हीं के बीच भी होगा। तो हमें क्या करना है बेटा? इन दोनों का ये क्या आ गया बेटा? 4.2। ये डिजिट क्या आ गई बेटा? 4.3। वही क्या होगा बेटा? 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। लाना क्या है बेटा? 4.6 के बाद क्या है? 4.26 26 हो गया। 4.26 किस किस के बीच में होगी बेटा? 4.26 और 4.27। अब देखो बेटा 4.262 के बाद क्या है बेटा? 6 है, तो ये किस किसके बीच में होगा बेटा? कहीं ना कहीं आएगा 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। देखो 4.263 क्या है बेटा? ये 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। ये क्या निकल करना है बेटा हमें? 4.2626। देखो बेटा कहाँ बेटा? 4.2
6 6 here beta exercise 1.4 be complete. Thank you.